सुन एस फाइव की बात करें तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे, सुन ये सब कल वाली क्लास में बताया मैंने। बेटा एस फाइव का एक तो सब ग्रुप जेड वन होता है, बेटा ये हमारे पास एस फाइव हो जाएगा, पर ये जेड टेन के अंदर कंटेंट नहीं करता या ना इसका सब ग्रुप होता है। बेटा एस फाइव अपॉन ए फाइव करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा ए जेड टू, और बेटा जेड टू जो होता है वो जेड टेन के अंदर होता है ना, ध्यान दीजिएगा। बेटा हम जानते हैं कि ये यूनिक ही होता है, तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड टू की जो वैल्यू होती है वो वन होती है और एक ही सब ग्रुप होता है, ये हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट हम लेंगे एस फाइव अपॉन एस फाइव, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जेड वन, ये भी हमारे पास जेड टेन में एक ही होता है, तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड वन की जो वैल्यू होगी ये भी हमारे पास वन होगी। बेटा वन और वन टू आ जाएगा, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे टू हमारे पास क्या आएंगे, होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे, तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे और भी वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहां जाके जो और भी वीडियोस हैं और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने यहां पे सॉल्व करा रखे हैं तो वो आप यहां पे जाके देख सकते हैं और यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।